जोधपुर शहर की कानून व्यवस्था इन दिनों भगवान भरोसे है। चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। जहां तक पुलिस रिकॉर्ड की बात करें तो पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार भी रोज़ाना दर्जनों बाइकें यहां से गायब हो रही है, तो मकानों में भी चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला प्रतापनगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ आप देख सकते हैं कि एक मकान में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने 2 से 3 बार मकान के आसपास देखा, पड़ोसी के मकान में भी झांके और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर 2 थे और ये पूरी घटना पास ही के मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। लेकिन यहाँ चोर एक गलती कर गए। जब जाग हुई तो चोर अपनी बाइक वहीं छोड़ गए और उस बाइक के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह इन दोनों चोरों ने इस मकान में सेंधमारी की। मकान में बाहर से जाली से कूदकर मकान में प्रवेश किया और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। देखिए किस तरह दोनों चोर इस मकान के पास पहुँचे, इसके अंदर जाके कि मकान में कोई है या नहीं, और उसके बाद पूरी वारदात को अंजाम दिया। दोनों चोर रेकी कर रहे हैं, पहले देख रहे हैं कि उन्हें कोई देख रहा है या नहीं। देखिए किस तरह चोर जाली कूद कर मकान के अंदर प्रवेश करते हैं। एक चोर बाहर ध्यान रखता है, मकान सूना था, मकान मालिक बाहर गए हुए थे और इसका इन चोरों ने फ़ायदा उठाया। चोर बार बार इधर उधर झाँक कर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई जागा तो नहीं। देखिए किस तरह पास के मकान में जाग होने पर चोर एक बार मौके से भाग जाते हैं और फिर वापस लौट कर आते हैं। देखते हैं कि इस मकान में किसी तरह की हलचल नहीं है तो इनका हौसला फिर से बढ़ता है और चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए मकान में कूद जाते हैं। इन चोरों ने यहाँ से 1 लाख रुपये का माल पार किया। लेकिन जैसे ही ये चोर पूरी वारदात को अंजाम देते हैं, पास के मकान में जाग हो जाती है और मकान मालिक उठकर बाहर आता है, चारों तरफ देखता है, तब तक चोर अपनी बाइक छोड़कर मौके से भाग जाते हैं। इन चोरों के चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बाद प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है, साथ ही बाइक के बारे में भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी है कि बाइक किसके नाम से पंजीकृत की गई है। देखिए किस तरह पड़ोसी जाग होने पर यहाँ पहुँचा।